हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द ब्लू मॉस्क्यू, यानी कि नीली मस्जिद। यह सुल्तान अहमद मस्जिद है, जिसे पश्चिम में ब्लू मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसका यह कारण है कि इसकी बाहरी दीवारें नीले रंग की थी, इसीलिए उसे नीली मस्जिद के रूप से जाना जाता है। यह तुर्की की एकमात्र ऐतिहासिक मस्जिद है। यह तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है, जो 1453 से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के केंद्र बीजेंटिन साम्राज्य की राजधानी थी। इस मस्जिद में 6 मीनार है। जब निर्माण पूरा होने पर सुल्तान को इस बात का पता चला, तो उसने सख्त नाराजगी जताई, क्योंकि इस समय केवल मस्जिद हराम के मीनारों ही 6 थे। लेकिन क्योंकि मस्जिद का निर्माण पूरा हो चुका था, इसीलिए इस समस्या का हल ये निकला कि मस्जिद हराम के मीनारों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई। मस्जिद वास्तुकला की एक और खास बात यह है कि नमाज शुक्रवार के अवसर पर जब इमाम भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, तो मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को सक्षम आसानी से देखा और सुना जा सकता है। कुछ समय पहले तक मौजन इस मीनार पर चढ़कर पांचों वक्र की नमाज के लिए सक्षम विश्वास पुकारते थे, लेकिन आजकल इस स्थान को ध्वनि प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आवाज़ से शहर के हर गली हर कुचे में सुनी जा सकती है। यह मस्जिद रात के समय रंगीन विद्युत कमकमे के कारण इस मस्जिद की महिमा और भी बढ़ जाती है। हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों इस मस्जिद को देखने आते हैं। यह नीली मस्जिद वाकई में एक मेडिवल वंडर्स में से एक है। तो यह थी आज की हमारी खास पेशकश, नीली मस्जिद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।